बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने पहली बार अपने सौतेले बेटे सनी देओल के बारे में खुलकर बात की है। अब तक अंदाजा लगाया जाता रहा है कि दोनों के बीच रिश्ते सहज नहीं हैं। यही नहीं, दोनों ही इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखते रहे हैं। लेकिन अब हेमा मालिनी ने कुछ कहा है, जाने क्या। हेमा मालिनी ने अपने 69वें जन्मदिन के मौके पर अपनी बायोग्राफी की रिलीजिंग के समय इस मुद्दे पर खुलकर बात की। हेमा मालिनी ने कहा कि लोग हमारे संबंधों के बारे में अलग अलग तरह की अटकलें लगाते रहते हैं, पर जो भी अटकलें लोग लगाते हैं कि दोनों में सब कुछ सही नहीं है, वो पूरी तरह से गलत है। जाने हेमा ने आगे क्या कहा। हेमा मालिनी ने कहा कि सनी देओल के साथ मेरे रिश्ते हमेशा बेहतर रहे हैं। यहाँ तक कि जब मेरा एक्सीडेंट 2015 हुआ तो सनी देओल मेरे घर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति रहे। यही नहीं, उन्होंने बाकायदा डॉक्टरों से भी बातचीत की और उन्होंने निर्देश भी दिए। हेमा मालिनी ने आगे भी काफी कुछ कहा। हेमा मालिनी ने कहा कि लोग ये सोचते रहे कि वो मेरा सौतेला बेटा है, इसलिए दोनों के बीच बातचीत तक नहीं होती। जाने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने कब की शादी और सनी देओल के साथ क्या है उनका रिश्ता। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने 1979 में शादी की थी। दोनों पहले कई फिल्मों में साथ कर चुके थे। यही नहीं, हेमा से शादी से पहले धर्मेंद्र प्रकाश कौर से शादी कर चुके थे और सनी बॉबी समेत उनके 4 बच्चे भी थे। हेमा धर्मेंद्र की 2 बेटियां आना और ऐशा देओल हैं।